हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो हाँ, मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे मेकअप, कर रही हूँ, मतलब नॉट लगा रही हूँ, और अभी यूज कर रही हूँ मैं कंसीलर, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक लुक चाहिए इस आउटफिट के लिए ब्लैक। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप कैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक बेसिक से। अभी हम बेसिक से सीखेंगे पूरा एंडिंग तक। मैं एक एक चीज आपको इतना डिटेल में बताने वाली हूँ ना कि आप खुश हो जाओगे। तो अभी हम करने जा रहे हैं अपने बेस मेकअप, मतलब बेस लगाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मैंने लगाया था मॉइस्चराइजर, उसके बाद मैंने लगाया क्लींजर, मैं ऐसी कर रही थी कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आपको अपना मेकअप, मतलब जो भी बेस यूज करना है, आप वो फाउंडेशन यूज करो, आप कंसीलर यूज करो, आपकी मर्जी है। तो मैं आजकल फाउंडेशन यूज नहीं करती अपनी स्किन पे, कंसीलर ज्यादा यूज करती हूँ। और अगर मुझे प्रॉपर किसी फंक्शन के लिए, कहीं जाने के लिए, इंटरव्यू ऑफिस के लिए करना होता है, तो मैं फाउंडेशन भी यूज करती हूँ। डेली के लिए मैं सिर्फ कंसीलर यूज करती हूँ। तो अभी मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर। अभी आप देख रहे हो मैंने कहाँ कहाँ लगाया है, अपनी आईज के नीचे, अपने लिप्स के पास, जो कि मेरा एरिया मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, ये चारों तरफ से, मतलब लाइक लिप्स की आउटलाइनिंग थोड़ा सा डार्क है मेरा। तो अभी हम, आप सब भी अपने अलग अलग तरीके से मेकअप करते होंगे। कोई अपने हाथ से इसको ब्लेंड करता होगा, कोई ब्लेंडर से करता होगा, ब्रश से करता होगा, बहुत तरीके है, नई नई चीजें आ गई है सब कुछ। मैं सच्ची बताऊ ना, मुझे क्या सबसे इजी लगता है इसको ब्लेंड करने का, वो है मेरा हाथ। बहुत इजी हो जाता है इसको ब्लेंड करना, कोई मुश्किल नहीं है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब ये बेस लगाओ ना, अपनी आईज के ऊपर हमेशा लगाना, या वो कंसीलर मैं बोलती हूँ, फाउंडेशन अगर यूज कर रहे हो तब भी आप कंसीलर यूज कर लेना इसके नीचे। एंड देन या अभी ऐसे मैं ऐसे हूला लाला वाला भूत बन गई हूँ। तो भी आप देखो, आप पता है सच में देखोगे कि कितना इजी है बेस लगाना, नॉट सो हार्ड कि यार ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो सिर्फ बेस पे होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पैक्ट यूज करना सीखेंगे, कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर उस पर कैसे यूज करते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ बेस ही, इस वीडियो में हम सिर्फ बेस सीखेंगे आज, एक प्रॉपर बढ़िया बेस जो कीकी भी ना लगे और बाद में क्रैक भी ना करे। तो यही चीज है। एक चीज बताती हूँ, बहुत लोग होंगे जिनका मेकअप ना कुछ टाइम बाद क्रैक कर देता होगा, लाइक उसमें ऐसी कुछ इमेज, जो बड़े बड़े एक्टर, इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराती है, उसके बाद भी उनके उसमें ना बहुत चीज़ें पड़ जाती है। तो मुझे चीज़ें नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि आपको ना जितना हो सके अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज करो। और वो तो नॉर्मल सा है, जब हम बोलते हैं, हम कुछ भी करते हैं ना, हमारी स्किन लाइक स्किन भी मूव करती है। तो उसके साथ जो भी आपने यूज़ कर रखा है, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, वो भी उसके साथ जो है असर करता है। मेरा ब्रश का है, तो ठीक है, मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने मेकअप ब्लेंड करने के लिए। तो जितना हो पाए ना उतने अच्छे से ब्लेंड करना। पता है, आप जब ब्रश या कोई भी चीज टूल यूज करते हो इसको ब्लेंड करने के लिए, आपका आधा जो फाउंडेशन या आधा जो कंसीलर होता है ना, वो उस टूल के, लाइक अगर हम ब्लेंड कर रहे हैं तो आप उसे अगर कभी वॉश करते होंगे तो देखते होंगे कितना मेकअप उसके अंदर होता, कितना मतलब हद से ज्यादा उसके अंदर मेकअप। तो यही कि जैसे आपको पसंद है वैसे उसको ब्लेंड करो, मुझे लगता है सबसे इजी जो है, आपको जैसे पसंद है आप उससे वैसे ब्लेंड करो, कोई हार्ड स्टेप नहीं है इसमें। मतलब मैंने ब्रश से भी कर लिया और मैं अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ से भी ऐसे कर करके ना पूरा ब्लेंड कर ली थी, बट ये कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा इसके फाउंड का, मतलब इसके हो जाते, क्या बोलते हैं इसको, कंसीलर के हो जाते हैं या फाउंडेशन के हो जाते हैं, तो मैं इसलिए कभी कभी करती हूँ। और मैंने ब्लैक पहना है ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, और मैं ना सीधे कुछ भी ऐसे इस कपड़े पर टच कर लूंगी और वो मेकअप लग जाएगा। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से पूरा ब्लेंड हो चुका है। मैं आपको क्लोज आके दिखाती हूँ, अगर दिख रहा होगा तो, बहुत ही प्यारे तरीके से पूरी स्किन पे ब्लेंड हो गया है।
कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक है। तो अभी हमारा एक कंसीलर लग चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, बेस इतना परफेक्ट बना है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा बेस हुआ है, मतलब स्किन पे ना बहुत अच्छे तरीके से खिला है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फाउंडेशन यूज़ नहीं करती, कंसीलर यूज़ करती है तो बहुत लंबे टाइम चल जाता है, ऊपर से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कंसीलर। और अभी वैसे मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई भी फाउंडेशन मिल जाए, क्योंकि मैं फाउंडेशन अभी यूज़ करती नहीं ना, तो इसलिए मेरे पास फाउंडेशन इधर उधर रहते नहीं है, तो यही रीज़न है। हाँ, अगर आपको लगे कि आपको कहीं से इधर उधर, ऐसा होता है ना आप पहले फाउंडेशन यूज करते हो फिर कंसीलर लगाते हो, ऐसा नहीं है। मैं पूरे बेस पे, मैंने पूरा बेस कंसीलर से लगाया है और उसके बाद भी मैं फाउंडेशन यूज कर लूंगी, मुझे मतलब लिटरली दिक्कत नहीं है इस चीज में। यार देखो, मुझे मेकअप करना है, मेरी मर्जी, मुझे कैसे आता है, मुझे कैसे पसंद है उसे करना, तो मैं क्यों ये देखूं कि क्या पहले करना है क्या, मैं बस कर लेती हूँ, दैट्स सिंपल। ओके, सो बेस लग चुका है, अब मुझे आप बताइए कि ये बेस कैसा लग रहा है, आपको समझ आया या नहीं आया। मतलब बहुत इजी स्टेप था, सबसे पहले आपको अपनी स्किन मॉइस्चराइज पहले तो क्लीन करनी है, उसके बाद इसको अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो, फिर आप चाहो तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ इन चीज़ों के, जो भी मतलब आपको स्टेप लगे ना अपनी स्किन के साथ अच्छी हेल्दी रखने के लिए, जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो कोई सीरम यूज़ कर लो बढ़िया सा जो आपको पसंद हो, और मिनिमिस के बहुत अच्छे सीरम्स हैं सारे, वो यूज़ कर सकते हो, और मेरे पास भी एक दो सीरम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, लाइक ये मेरे पास एक कोलैब में आया था जो मैंने बहुत कम यूज़ किया है, ओजोन, हाँ जी ओजोन समथिंग कुछ है उसका था, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, प्रोडक्ट अच्छा है, कोई वो नहीं है, बस मुझे अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने बोला। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अब हम नेक्स्ट क्या बताएं सीखेंगे कि हम कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन ऑलवेज से तो बस आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय, लव यू।